तो आ गए आप सब। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही यूनिक से और मज़ेदार रेसिपी लेके आए, चिकन बटरफ्लाई, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगी और कुछ यूनिक है तो कुछ नया खाते रहना चाहिए। तो आइए इसे बनाने भी बहुत आसान है, देखते से कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। फिर इसमें हमें ऐड करना है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फिर इसके बाद आ जाएगा 1 टीस्पून नमक, और फिर इसके बाद आ जाएगा 1 टीस्पून चिकन मसाला, बाद आ जाएगा 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, उसके बाद आ जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला, और उसके बाद हमें ऐड करना है 1 टीस्पून चाट मसाला। फिर इसमें हमें ऐड करना है थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स। अगर चिल्ली फ्लेक्स आपको पता नहीं है तो उसको सूखे मिर्ची को कूट के बनाया जाता है। और फिर उसके बाद हमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, मतलब काली मिर्च पाउडर। तो फिर इसके बाद हमें ऐड करना है 2 चम्मच सरसों का तेल। तो ना अभी ना इससे ना एकदम मस्त तंदूरी का फ्लेवर आने वाला है आपके चिकन में, तो ये सब मसाले से तंदूरी का अच्छा खासा फ्लेवर आएगा। तो अब ये सबको हमें मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर ना आपको 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल देना है, और फिर सबको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। और अभी हम ना अच्छा कलर आने के लिए थोड़ा रेड कलर डाल रहे हैं, फूड कलर। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर आपको क्या डालना है। अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ये ऑप्शनल था। तो फिर ये सबको मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक के 10 से 15 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख देना है। और अब हमें दूसरे साइड ना 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेना है, और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे एक हल्का सा थिन पेस्ट बना लेना है। तो लेकिन आप इसे ना 10-15 जब चिकन मैरिनेट हो जाए ना उसके बाद ही बनाइएगा, वरना ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसके पहले बना के मत रखिएगा। तो देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो जैसे कि हमारा 10-15 मिनट हो चुका है, ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, तो इसमें हम अभी डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा। ये दोनों डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये है ना एक बाइंडिंग का काम करेगा, सारे मसाले को अच्छे से कोटिंग कर देगा चिकन के ऊपर। तो आइए सबको मिक्स करके मैं अभी साइड में रख देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें एक लास्ट साइज का आलू ले लेना है, और उसे इस तरह से स्लाइस में काट लेना है। या आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं या स्लाइसर से भी काट सकते हैं। तो ये काटने के बाद हमें क्या करना है, ये आलू को जो है ना, ये जो कॉर्नफ्लोर का हमने स्लरी बनाया था बैटर, उसके अंदर डिप करके रख लेना है। तो सारे आलू को हम इसमें डिप कर लेंगे, और 2-3 मिनट स्लरी में डिप करने के बाद इस तरह से चिकन का एक पीस लेंगे, और ये आलू के बीच में रख के इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है ये, और टूथपिक इस तरह से बीच में रख के बना लेंगे हमारा बटरफ्लाई। तो ये है हमारा बटरफ्लाई चिकन। इस तरह से हमें सारे बटरफ्लाई को बना लेना है चिकन में। तो बहुत ईजी आसानी से बन जाता है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब आलू को कट करेंगे ना, तो कट करके आपको पानी में नहीं रखना है, कट करके एक बार वॉश कर लेना है, और डायरेक्ट ये कॉर्नफ्लोर के स्लरी में डाल देना है, कट करके पानी में नहीं छोड़ना है आपको। तो इस तरह से देखिए हमारा सारा बटरफ्लाई तैयार हो चुका है, कितना मस्त लग रहा है ना ये। तो आइए अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के रख दिया था, तो ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अभी हम लोग सारे बटरफ्लाई को इसके अंदर डाल देंगे। तो ये अभी आपको क्या करना है, जो ये जब आप बटरफ्लाई इसके अंदर डाल देंगे, तो आपको गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। तो ये आपके फ्लेम के ऊपर है, आप अगर कौन सा गैस यूज़ करते हो, आपका फ्लेम कितना रहता है, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है फ्लेम। अगर आपका ज़्यादा हाई फ्लेम है तो आप इसको एकदम स्लो आंच पे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं ये चिकन आप जब डालेंगे, इसको 5 से 6 मिनट बाद ही पलटना है, डायरेक्ट स्टार्टिंग में नहीं पलटना है, तो एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले कितना झाग आ रहा था, अभी झाग कम हो चुका है, मतलब चिकन आधा पक चुका है। तो अभी हम इसे टर्न मार देंगे। तो आप इसको इसके झाग से भी पहचान सकते हैं चिकन कितना पका है कितना नहीं पका है। तो अभी हम सबको टर्न मार के दूसरी साइड से पका लेंगे। तो चलिए हमारा चिकन दोनों साइड से पक चुका है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब लास्ट के 2-3 मिनट हो जाएगा ना चिकन पक के, तो इसको हाई फ्लेम में पकाना है आपको, ताकि ये तेल ज़्यादा ना सोखे। इसके लास्ट के 2-3 मिनट इसे हाई फ्लेम में पका लेंगे हम, और फिर इसके बाद निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका चिकन फाइनली तैयार हो जाएगा दोनों साइड से पक के। तो इसे अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे। खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है।
तो ये हमारा फाइनल चिकन बटरफ्लाई तैयार हो चुका है। तो इसे हमें सर्व करना है। आप टमाटो केचप के साथ भी कर सकते हैं या शेजवान सॉस के साथ। यहाँ पे मैंने शेजवान सॉस के साथ किया है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, मैं सर्विंग का टिप। तो इसे हमें ना चीज़ के साथ सर्व करेंगे तो और टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने चीज़ की ग्रेटिंग कर दिया है और यहाँ पे वो थोड़ा धनिया डाल दिया ऊपर से। तो चलिए अभी फटाक से आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसा बना था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।